सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन है जियो फोन नेक्स्ट, और इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, और ये दो चार दिन से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है जियो फोन नेक्स्ट में। यहाँ पे जब आप फ़ोन को ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, देखिए यहाँ पे योर डिवाइस इज़ करप्टेड। तो ऐसे फ़ोन का क्या सोल्यूशन है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है? दरअसल ये फ़ोन का प्रॉब्लम इसलिए आता है जब आप फ़ोन को अपडेट पे कर देते हैं, या फिर अभी के डेट में दो चार दिन से कुछ ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है और लगभग सारे जियो फोन नेक्स्ट में प्रॉब्लम आई हुई है। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले इसको पीछे से फ़ोन को पूरा खोलना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से नट वगैरह खोल रखा है, क्योंकि ये फ़ोन क्वालकॉम सीपीयू वाला है और इसके अंदर हमें ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके इस फ़ोन को कनेक्ट करके कोई भी इसमें काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें इसे फ्लैश करना पड़ेगा, और फ्लैश करने के लिए हमने दो फाइल इसका लोड करके पहले से रखा हुआ है। एक तो इसका पैक फाइल है जो कि इसका EMMC प्रोग्रामिंग के लिए है, जो कि कुछ KB का है, और एक इसका फ्लैश फाइल है जो कि लगभग 2.5 GB का है। तो दोनों को हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका 100% जेन्युइन फाइल का लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा, 100% वर्किंग है, और इसका फाइल का पासवर्ड भी उसी डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे ऑटोमेटिक से अनटिक करके यहां पे जियो फोन का जो पैक फाइल है पहले उसको, जो कि कुछ KB का है, देखिए यहां पे 600 कुछ KB, इसको आपको यहां पे पहले से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखिए जियो फोन का जो फाइल है इसको आपको दो बार एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो पैक फाइल है अंदर घुसने के बाद फाइल के अंदर भी एक और फाइल मिलेगा उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जियो फोन का ये आपका फ्लैश फाइल है, दोनों को हमने यहाँ पे चढ़ा लिया है। अब आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। ये मेथड हम UMT से यूज कर रहे हैं जो कि 6.8 वर्जन है, आप चाहो तो नए वर्जन पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपका हो जाएगा। और आप चाहो तो आपके पास UMT नहीं है तो आप क्यूफिल जो क्वालकॉम CPU के लिए आता है फ्लैश फाइल फ्री वाला, उससे भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है, उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे उससे फ्लैश करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों इसका जो ईडियल पॉइंट उसको शॉर्ट करना है, जो कि यहाँ कोने पे आपको नीचे में जो पॉइंट दिखेंगे लाइन से 5-6 पॉइंट है शायद, या फिर 5 पॉइंट, उसके नीचे वाले जो पॉइंट है उसको आपको एक साथ वो करना है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए जियो फोन नेक्स्ट का जो ईडियल पॉइंट है वो कौन सा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे का जो दो पॉइंट दिख रहा होगा ये नीचे वाला, इसको दोनों को शॉर्ट करके केबल लगा देना है और आपका फ़ोन का जो फ्लैशिंग है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप UMT से कर रहे हो तो इसमें एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। UMT से करने में फ़ायदा ये है कि आपका इसका FRP बाद में हमें अनलॉक करना पड़ेगा। हर फ़ोन में फ्लैश करने के बाद FRP अनलॉक नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें FRP नहीं हटता है तो उसको अलग से अनलॉक करना पड़ता है, जो कि बाकी टूलों से करने पे ये फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे चला जाता है, लेकिन UMT से करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग जो है वो चालू हो चुकी है और 100% वर्किंग फ्लैशिंग है और आपका चालू होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर आप बिना, अगर आपके पास UMT नहीं है तो कैसे करोगे। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे QPST आपका एक टूल है, इसको डाउनलोड करना है। ये QFIL ही है लेकिन QPST पूरा सेटअप है QFIL का। जब आप इसको यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ देखो Mirror 1 Mirror 2, किसी से भी आप जो भी आपका कंप्यूटर में खुल रहा है उससे आप डाउनलोड करिए। Mirror 2 मेरा में वर्क किया है, मैंने Mirror 2 पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका ideal पॉइंट यहाँ पे देखिए नेट पे आपको दिखा रहा है। तो ये ideal पॉइंट यहाँ पे आपको सर्च करके देखने से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो पहले से ही इसका ideal पॉइंट आपको बता दिया है, तो आपको ideal पॉइंट सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो ये ideal पॉइंट इसका दिया हुआ है नीचे में। तो चलिए अब हम आपको QFIL का यहाँ पे देखिए फाइल खुल चुका है, यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका कंप्लीट सेटअप मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, और यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे तो ये देखिए QFIL का हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है, पहले हम डेस्कटॉप पे ले जाते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा फ्लैशिंग चालू है, इसको चालू रहने देते हैं। इसमें 2-3-4 मिनट का समय लगता है जब तक आपको ये आगे का काम हम बता देते हैं, जब तक ये फ्लैशिंग अपना हो रहा है तो इसको होने दीजिए। तो अभी यहाँ पे आपको QSET का देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको देखिए एक फाइल मिल रहा है इसका जो सेटअप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद से मेरे कंप्यूटर में शायद इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो ये कंप्यूटर है इसमें हमने अलग से विंडो डलवाया, विंडो 7, जो कंप्यूटर कंपनी का जो लैपटॉप के साथ विंडो आता है उसमें और बाद में बहुत फ़र्क होता है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बाद वाले विंडो में हर चीज़ सपोर्ट नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सी कंप्यूटर में जाके माई प्रोग्राम फाइल में जाओगे आप तो यहीं पे आपको उसका एक फाइल मिल जाएगा क्वालकॉम के नाम से, और उसको आप खोलोगे तो वहाँ से आपका सेटअप दिख जाएगा। और वहाँ जाके आप इसको QFIL वगैरह अगर आप यूज किए हो तो अच्छी बात है, नहीं यूज किए हो तो QFIL से कैसे फ्लैश किया जाता है यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ फाइनली देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इसमें FRP अनलॉक करते हो फ्लैशिंग के बाद तुरंत से, आपको तो उसको पहले एक बैटरी पहले एक बार निकाल के वापस लगाना है और तब जाके FRP के लिए आपको फिर से वही पोर्ट को शॉर्ट करके ideal पॉइंट को और फिर से लगाना है। तो आप अब ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है CPU नॉट फाउंड, तो इसमें क्या है कि इसका CPU नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे में आपको अभी आपका FRP मांगेगा, पहले आपको फ़ोन को खोल के एक बार दिखा देता हूँ कि FRP कैसे मांग रहा है। यहाँ पे मैंने ऐसा ट्राई किया तो ये FRP बाईपास नहीं हुआ, अभी हम आगे FRP भी बाईपास करेंगे इसका। तो पहले आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, अभी फ़ोन का जो वो प्रॉब्लम था जो पहले करप्टेड का आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। यहाँ पे
ये फाइल बहुत ही अच्छा फाइल है, आप जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और पासवर्ड भी दिया है, जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो पासवर्ड डालो कॉपी करके यहाँ से, और उसके बाद आप उसको पेस्ट कर दो वहाँ पे, और आपका जब फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसको आप यहाँ पे यूज करो, और आपका ये QC फाइल इसको 100% फ्लैश करके देगा। अभी 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, और हर जगह आ रही है, जहाँ जहाँ भी है, आप इंडिया के किसी भी कोने में इस फ़ोन को लीजिए, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके अब जैसे ही ओके करोगे तो देखिए ऊपर कोने पे आपको एक FRP लॉक का सिंबल दिख जाएगा, और आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें FRP लॉक अभी भी है, और ये आगे प्रोसेस होगा ही नहीं जब तक वो लॉक का सिंबल इसमें रहेगा। तो ये देखिए ऊपर कोने पे आपको एक लॉक का सिंबल दिखाई दे गया है। तो अब ऐसे कंडीशन में अब आपको माथापच्ची ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे FRP दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब इसको स्विच ऑफ करना है, फिर दोबारा बैटरी निकालना है, और यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक था फिर से वहाँ से अनटिक करके, और जो कुछ KB का जो फाइल था प्रोग्राम EMMC फाइल, बस उसको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद से सीधा FRP पे आपको क्लिक कर देना है। बस ये फाइल आपका कुछ KB का है, आपके पास नेट थोड़ा सा भी रहेगा तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही वो फाइल देख के और जैसे ही आप फिर से ideal point को शॉर्ट करके और केबल लगाओगे FRP पे क्लिक करके, तो ये आपका FRP तुरंत बाईपास हो जाएगा और आपका फ़ोन खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बता दी, अगर आपका फ़ोन भविष्य में FRP के लिए आता है तो आप वो भी कर सकते हो, वैसे फ़ोन पासवर्ड के लिए ही आता है तो आप तो हार्ड रिसेट आराम से कर सकते हो, बटन दबा के वॉल्यूम डाउन पावर बटन एक साथ दबा के वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, लेकिन FRP के लिए आपको UMT की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे ये चीज़ काम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो का ये पोर्ट बन चुका है, जियो फोन नेक्स्ट का यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आ गया, और यहाँ पे FRP डन दिखा दिया है। तो अब आपको फ़ोन को ओपन चालू कर लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम इसका सॉरी पावर बटन दबा के, और आपका अभी फ़ोन खुलेगा और आपका पूरा सेटअप होगा, और यहाँ पे कोई FRP वगैरह नहीं मांगेगा। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया है इस फ़ोन को, और बहुत ही इजी तरीके से बताया है, बस फाइल डाउनलोड करने में ही जो टाइम लगेगा लगेगा, तो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, भविष्य में भी ये फाइल काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोन अभी चालू हो चुका है, और यहाँ पे जो करप्टेड का था वो भी दिक्कत ख़त्म हो गया, और इसका FRP भी ख़त्म हो चुका है। अब बस सिंपल सा फ़ोन को चालू कर लेना है, यहाँ पे सेटअप कर लेना है, नेक्स्ट स्किप करके कंट्री वगैरह लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, और ऊपर देखिए आपका FRP का जो पहले लोगो दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दोनों फाइल में रखा हूँ इसका एक्सट्रैक्ट करके पहले से भी, और यहाँ पे बिना एक्सट्रैक्ट किया हुआ जिप फाइल भी है। तो ये देखिए आपका प्रोग्रामिंग वगैरह यहाँ पे फाइल दिख रहा है। तो ये सारी फाइलों को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए और इसको यूज करिए। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट कर करके और यहाँ पे अपने फ़ोन को चालू कर लिया, और यहाँ पे किसी तरह का कोई पासवर्ड नहीं लगा है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो नॉलेजफुल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी।